राधे दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के दिन स्टार्ट करते हैं बाय हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो मैं आई हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए और आज मेरे मॉर्निंग ट्यूशंस थे तो मैंने आज अपने 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक एक ट्यूशन जीशू का कंप्लीट कर लिया है और अभी 7 बज रहा है। 6:30 बजे घर आकर के मैंने कुछ एडिटिंग का काम किया जिसमें आधा घंटा मुझे लग गया। तो अभी 7 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी पी करके हम अपना आज का रूटीन स्टार्ट करेंगे। गाइज, हियर इज़ माई कॉफ़ी रेडी। देखो कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। तो चलो फटाफट से कॉफ़ी पी लिया जाए, उसके बाद फिर कॉफ़ी पीते पीते अभी चलो फटाफट से टू डू लिस्ट आज का बना लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मुझे? ओके। टेस्ट करते पहले कॉफ़ी। बहुत टेस्टी। मेन ये हो गया ना कि जीशु सुबह पढ़ता है तो रात पे लेट नाइट स्टडी का मौका नहीं मिल पाता है। अगर रात में लेट नाइट स्टडी का चांस मिले तो मैं किसी भी तरह करके रात में कंप्लीट कर लूँ, लेकिन सुबह उठना पड़ जाता है इस डर से मैं रात में नहीं ज़्यादा देर तक। ऐसे भी तो मुझे लेट सेट होके 11:30 बज ही जाते हैं डेली सोने में, क्योंकि 10 बजे आती हूँ, 9:30 बजे आती हूँ, फिर खाने पीने में सब चीज़ में 11:30 तो बज ही जाते हैं डेली सोने में। तो और लेट से मैं इस डर से नहीं सोती हूँ क्योंकि अगर फिर दूसरे दिन नींद नहीं खुला और फिर झूठ मूठ का छुट्टी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी जीशू का ना मॉर्निंग ट्यूशन के कारण थोड़ा छुट्टी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि सुबह कभी कभी होता है कि मेरी नींद नहीं खुल पाती और लेट से फिर जा नहीं सकती हो ना, आधे घंटे भी लेट होते हैं तो फिर अंकल मना कर देते हैं, आंटी मना कर देती है कि आज छोड़ दो मत आओ, क्योंकि उसके स्कूल रहते हैं ना, इसलिए। तो सिर्फ इस वजह से मैं लेट नाइट तक नहीं पढ़ती हूँ सुबह, मेरी नींद ना खुले इस डर से। चलो कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करेंगे आज का रूटीन कम्प्लीट करने का, पहले स्टार्ट तो कर ले। ओके गाइस, फाइनली करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो मैंने करंट अफेयर्स कितने बजे, 7 बजे से चालू किए थे, 9 बज गए, 2 घंटे तो लग ही जाने हैं भाई, पता था मुझे। तो 9 बज चुके हैं और करंट अफेयर्स मेरा एग्जैक्ट 9:00 ख़त्म हुआ, अभी 9:05 हो रहा है, तो 9:00 मेरा एग्जैक्ट करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। चलो अब जाते हैं थोड़ा रेस्ट मतलब करने के लिए, मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है 10-15 मिनट। अभी वैसे भी वीडियो भी डालना है तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं चल जाती हूँ अंदर रूम में, थोड़ा लल्ला से भी मिल लेती हूँ और वीडियो वगैरह अपलोड कर लेती हूँ। 9:30 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद फिर मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखो गाइस, लल्ला को उठ करके आराम से बैठे हुए अपने बेड के ऊपर और मम्मी ने अभी लल्ला को पार्ले जी बिस्किट और पानी पिलाया है। और लल्ला का आप लोगों ने बेड देखा कि नहीं? वैसे मैंने इसका, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगवाया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। रुको मैं आपको अच्छे से, मम्मी इधर आओ, तो आओ ना इधर, लल्ला को उठाओ ना, थोड़ा बेड दिखाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा कैसे होंगे? हाँ गुस्सा हो जाएंगे। लल्ला भक्तों को दिखाना है ना, बेड दिखाना है। ये देखिए गाइज, ये बेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस साइज मुझे लगी थी कि थोड़ा सा बड़ा होगा, बट फिर भी ठीक है हमारे लल्ला के लिए। 2 नंबर साइज के लल्ला होंगे ना उनका, उनके लिए तो परफेक्ट है, हमारे लल्ला के लिए भी ठीक है। हम साइड में पिलो रख देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। बहुत सुंदर मीशो से ये बेड हमने मंगाया था, डिज़ाइन बहुत सुंदर है और ये एकदम सॉफ्ट है वेलवेट का, और इसके साथ ये कंबल भी दिया गया था, 2 पिलो भी दिया हुआ है। कितना? 243 प्राइस था ना, 243 प्राइस था, कल ही आया है। तो अगर आप लोग को भी लेना होगा तो मैं इसका ऑलरेडी डाल चुकी हूँ वीडियो रिव्यू वाला, तो आप देख करके ले सकते हो। रख दो,
तो लल्ला अभी मस्त ऐसे रखना है। तो लल्ला को तो मम्मी ने खिला दिया, मैं सोची थी कि लल्ला को खिलाऊंगी वे बिस्किट और पानी, बट मम्मी ने खिला ही दिया है। अभी मुझे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैथ्स क्लास करूँगी। तो गाइस कहीं जाने की पैकिंग चेकिंग हो रही है, कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन यार मम्मी ने अपने साड़ी वगैरह निकाले हैं, देख लो कहीं तो जाने की पैकिंग हो रही है भाई। अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट मिलने वाला है आप लोगों को, तो स्टे ट्यून्ड। ओके अभी नहीं, टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है कहीं भी जाने में, लेकिन पैकिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे ट्यूशंस रहते तो मैं कहीं नहीं जा, मतलब कि सॉरी मेरे ट्यूशंस रहते तो मैं घर पे उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ इन सब चीज़ों पर, पढ़ाई भी होती है, इसीलिए मम्मी ने बोला कि अभी तुम थोड़ा सा हेल्प करो। मैंने मैथ्स का क्लास भी नहीं किया, 10:30 बज गया, तब से पैकिंग के चक्कर में, बताओ। अब देखते हैं आगे, क्योंकि अब तो नहाने का टाइम हो गया, तो नहाना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। क्यों और भी कुछ लेना? सिर्फ दूध? कल आज देखो, आज पेमेंट हो जाएगा तो कल चलेंगे मार्केट, सुबह ही जाना होगा क्योंकि फिर तो ट्यूशन है। तो गाइस मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए, बिकॉज लल्ला का दूध तो ख़त्म हो चुका है और उनको मम्मी ने बोला कि आज सेवई बना के खिलाना है, तो इसीलिए दूध मैंने खरीद लिया है ये देखो, और साथ में सौंफ भी लिया है। और अब जा रही हूँ मैं घर, बगल में ही तो दुकान था, 2 मिनट भी नहीं लगता है आने जाने में, ये सही है, घर के बगल में दुकान रहने से ना कोई भी सामान अगर छोटा मोटा ज़रूरत पड़ता है तो आराम से जा कर के ले आओ, नहीं तो मार्केट इतना दूर है कि क्या ही बोला जाए। गाइस स्टार्ट करते हैं मैथ्स का क्लास, मम्मी के पैकिंग के चक्कर में ना मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का क्लास करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और मैं मैथ से दूर भागती हूँ, लेकिन जितना दूर भागूंगी उतना यही मुझे छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे दिमाग पर घुसो नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, मैथ्स का क्लास तो ख़त्म हो चुका होगा, अब रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो रिकॉर्डेड ही कर लेते हैं। गाइस तो मैंने नहा लिया है, कैमरा ऐसा ब्लर क्यों लग रहा है, हाँ अब हुआ ना, हाँ तो मैंने नहा लिया है, आप देख सकते हो, पूजा भी कर लिया है मैंने अच्छे से, और शूट मैंने क्यों नहीं किया, नहीं किया पता नहीं, शायद भूल गई थी, ये सबसे बड़ा दिक्कत है व्लॉग बनाने में ना, कि बीच बीच में आप कोई भी काम करो तो आप भूल जाते हो उस टाइम पर शूट करना, तो तो मेरा मैथ्स का क्लास ख़त्म हो गया था, मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं शूट करना भूल गई, आप लोगों को बताना भूल गई, उसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने के लिए चली गई, और लल्ला को जब तक मैं पूजा कर रही थी तो लेट हो गया ना बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ने ही लल्ला को आज भूख लगा दिया था, खाना खिला दिया मम्मी ने, दाल चावल आज लल्ला ने खाया, और हम लोग भी आज डायरेक्ट ब्रंच ही करेंगे क्योंकि मम्मी के पैकिंग शैकिंग के चक्कर में ना बहुत लेट हो गया, तो इसीलिए अभी चलो चलते हैं ब्रंच करेंगे। मम्मी ने मस्त दाल चावल आलू का भुजिया बनाया है और निकल भी चुका है, और सैलेड निकाल भी दिया मम्मी ने, आराम से बैठ जाओ नीचे खाओ, नीचे बैठ के खाने में अलग ही मज़ा है। है गाइस दाल चावल, इधर दाल है, इधर चावल, और ये जो आप देख रहे हो ना ये लल्ला का प्रसाद है, तो मम्मी उसी में हम लोग जो खाना खाते हैं उसी में मिला देते हैं, ताकि क्या होता है कि पूरा खाना ही प्रसाद बन जाता है। तो इधर भुजिया है और यहाँ पे तिलवरी, चलो खा लेते हैं, अभी भूख लग गई है। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट नहीं एक्चुअली ब्रंच, हाँ ब्रंच ही किया ना, तो ब्रंच हमने कर लिया है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, खा लिया है, अब जा करके अच्छा लग रहा है, पेट भरा भरा लग रहा है, अब पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, मन लगेगा। तो 1 बज चुके हैं और 3 बजे से मेरे ट्यूशन्स हैं, तो अभी मेरे पास 1.5-2 घंटे लगभग है, तो चलो पढ़ लेते हैं। मैथ्स की क्लास मेरे हो गए थे और करंट अफेयर्स हो गए थे, अब आज रूटीन में शायद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, तो ये दोनों मुझे अभी कंप्लीट करना है, ट्राई कि मैं दोनों क्लास कर सकूँ, अभी अगर नहीं कर पाऊँगी तो रात में फिर दिक्कत हो जाती है यार, मॉर्निंग ट्यूशन रहते ना तो रात में लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाती हूँ, तो चलो देखते हैं। वैसे आज शाम को हो सकता है तो मैं पार्टी में भी जा सकती हूँ, आज एक जगह रिसेप्शन की पार्टी है, और अभी कुछ दिन पहले भी मैं 2 जगह गई थी, यहाँ पे हमारे मोहल्ले में बहुत शादियाँ हो रही है ना, इस साल तो बहुत शादियाँ हो रही है, तो आज भी एक रिसेप्शन पार्टी है, तो
चांसेस है जाने के, बट ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि ट्यूशन से है, तो अगर मैं ट्यूशन से जल्दी फ्री हो गई तो जा सकूँगी, नहीं तो फिर नहीं, देखते हैं आगे। चलो पहले अभी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। मम्मी ने बोला है कि ये मंच लल्ला को खिलाने के लिए, मम्मी ने ना मेरी स्टडी टेबल पे रख दिया इतना सारा मंच ला करके, और डेली मैं केक को खा लेती हूँ। तो अभी पहले लल्ला को खिलाते हैं भाई मंच। चलो, आज लल्ला को मीठा खाने का मन था और मम्मी ने आज खिलाया नहीं, सिर्फ दाल चावल। गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसा कि आप देख सकते हो, और अभी मैंने चाय चढ़ाया हुआ है, चाय पियेंगे अभी हम, उसके बाद फिर जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और मौसम आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोल दूँ या ख़राब बोल दूँ, मतलब बारिश जैसा किया हुआ है एकदम मौसम, बारिश 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 हो भी रही है हल्की हल्की, इस वजह से देखो सारे कपड़े किचन में सुखाए गए क्योंकि छत पर बारिश का माहौल है, इसीलिए सुखाया नहीं गया। चलो चाय बना लेते हैं। मेरी चाय तैयार हो रही है, टेस्टी टेस्टी चाय, चाय पी लो गाइस। चाय इज रेडी। कैसा बनाया चाय? पियो। ज्यादा हो गया ये। गाइस, काफी ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ, तो छाता लेके आना पड़ रहा है। बाप रे, उतनी ज्यादा मतलब टिप 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 हो रहा है, लेकिन सुबह से ही हो रहा है, मुझे नहीं लगा था कि इतना बारिश हो रहा होगा, लेकिन हो रहा है बारिश। तो यार अभी थोड़ा सा कम हुआ, जब मैं निकली तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा था, इसीलिए मैंने छाता ले लिया, बट अभी थोड़ा सा कम है। मौसम देखो, रुको दिखाती हूँ मैं, ये देखो मौसम कैसा हो रखा है। बाप रे, समझ ही नहीं आ रहा बारिश का मौसम है कि ठंड का मौसम है। गुजरात में अभी आया हुआ है ना तूफान वगैरह, इस वजह से उधर का असर हर जगह दिख रहा है लगता है। मैं आ चुकी हूँ मौसम के घर पे पढ़ाने के लिए। कितनी बारिश आपको तो मैंने दिखाया है, बाप रे हालत ख़राब हो गई है, वापस जाने का दिक्कत है, बहुत किचिड़ किचिड़ लगता है बारिश में ना, एकदम नहीं मन करता है घर से बाहर निकलने का। यहाँ से फिर वापस जाना है। गाइज, अपने सारे ट्यूशंस वगैरह कंप्लीट करके शाम में 7 बजे हम सब गए थे पार्टी में, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट कंचन दी ने बोला कि चलो मेरे साथ, तो मैं और मम्मी चले गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने मस्त आराम से खाया पिया, ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई, और फिर चली गई मैं घर। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है। रात में पार्टी से आने के बाद ना मैंने शूट ही नहीं किया, नींद आ रही थी, डायरेक्ट सो गई, मैं पढ़ाई भी नहीं की और डायरेक्ट सो गई थी मैं, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। तो अभी सुबह हुई तो मुझे अचानक से याद आया कि जा, मेरा कल का व्लॉग तो आधा ही पेंडिंग है, अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप लोग समझना, थोड़ा भूल गई थी और नींद भी आ रही थी बहुत, डायरेक्ट आकर के सो गई थी। बहुत लेट से मैं गई थी ना, क्योंकि ट्यूशंस थे तो मैं काफ़ी लेट से गई ही थी, ज़्यादा वहाँ भी नहीं शूट कर पाई। घर पे आने के बाद फिर दीदी लोग चिल्लाने लगी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो करके, तो रेडी होना था, तो इसीलिए तो चलो ये व्लॉग आज का एंड करते हैं, क्योंकि मुझे आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करना है। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।